सबको नमस्कार। अक्सर कवि वेदना में आकर कविता लिखता है, और वेदना तब ज़्यादा होती है जब परिवार के लोग, या ये कहिए जिन्हें आप कभी करीबी मानते हैं, वो समय पर आपके साथ खड़े नहीं हो पाते और सिर्फ सुनने पर ऐसा जताते हैं कि हाँ, उनकी संवेदनाएं आपके साथ हैं। तो ऐसे ही मौके पर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पहली पत्नी श्यामा जी के गुजर जाने पर एक कविता लिखी थी, जो उनके किताब क्या भूलूं क्या याद करूं, जो उनकी जीवन वृत्ति भी है, उसके पहले भाग में प्रकाशित हुई थी। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं मैं दुखी जब जब हुआ, संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा, रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, इस नयन से बह सकी कब, उस नयन से बह सकी कब, इस नयन की अश्रुधारा, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। कौन है जो दूसरों को दुख अपना दे सकेगा, कौन है जो दूसरे से दुख उसका ले सकेगा, क्यों हमारे बीच धोखे का रहे व्यापार जारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। क्यों न हम ले मान हम हैं चल रहे ऐसी डगर पर, हर पथिक जिस पर अकेला चल रहा, दुख नहीं बटते परस्पर दूसरों की वेदना में, वेदना जो है दिखाता, वेदना से मुक्ति का निज हर्ष केवल वह छिपाता, तुम दुखी हो तो सुखी मैं विश्व का अभिशाप भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। धन्यवाद।